Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Standard Tibets. And today, in this video, we are going to start another teaching method, that is communicative language teaching. So this one is counter into the modern way of teaching English language. इसे हम short form में CLT या फिर communicative language approach भी कहते हैं. तो इन तीनों ही names से आप confused मत होना. These all are similar. So let's get started for how it is different from all the other previous ones. CLT. First of all, we'll see what is actually CLT. Communicative language teaching prioritizes developing students' communication and interaction skills. So basically, this method, this communicative language teaching method जो है, जो कि English language teaching में use किया जाता है, इसका जो main aim है, वो ये है कि वो students के communication को, उनकी वार्तालाप को, उनकी discussion, बात करने की जो skill है, उनका interaction, एक दूसरे से बात करना, ओके okay? जिसे ही हम कम्युनिकेशन कहेंगे, इस स्किल को डेवलप करना. किस लैंग्वेज में? टारगेट लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. दिस इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली इन रियल लाइफ सिचुएशंस. तो जब बच्चों को आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ाते हो, बीइंग अ टीचर, तब स्टूडेंट्स अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह से वो लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में, सेम लैंग्वेज के अंदर इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं. थ्रू स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन. तो दो तरह का इंटरेक्शन होता है इसमें. स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में बात करते हैं उस लैंग्वेज के अंदर, और स्टूडेंट अपने टीचर से भी इंटरेक्शन करते हैं. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब टीचर इस मेथड से पढ़ाता है तो इन बच्चों को या इन स्टूडेंट्स को वो फ्री फ्री डिस्कशन के लिए छोड़ देता है, या कम्युनिकेशन उनका फ्री होता है, यानी कि उनकी एरर्स को या फिर कोई भी मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन, तो टीचर उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, यानी कि उसको इग्नोर कर देते हैं फॉर अ वाइल. ओके, सो बेसिकली सीएलटी क्या है? टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेशन, यानी कि बातों के थ्रू या वार्तालाप के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना. ओके, क्लियर? नाउ वी विल सी सम प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मेथड. आपने एक कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया है कि इसमें पढ़ाया कैसे जाता है, कम्युनिकेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है. अब हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो है एक मैथड को दूसरे मैथड से अलग करते हैं. पहला प्रिंसिपल है कि लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज. लैंग्वेज सीखना, लर्न इन द सेंस इज सीखना. तो लैंग्वेज सीखना, सीखने का मतलब इस मेथड के अकॉर्डिंग ये है कि टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, ना कि ग्रामर सीख ली, सेंटेंस बनाना सीख लिया, स्ट्रक्चर सीख लिया, वर्ड सीख लिया. नो, बेसिक जो मेन पर्पज है वो ये है कि स्टूडेंट उस टारगेट लैंग्वेज के अंदर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट कर सके. यदि आप किसी लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हो, तभी इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको वो लैंग्वेज आती है या आपने वो लैंग्वेज सीख ली है. द लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन. ओके, जो भी लैंग्वेज यूज की जाती है, तो बेसिकली टारगेट लैंग्वेज ही हम यूज करेंगे. जिसे आप कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हो, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. द रोल्स ऑफ द स्पीकर्स, द सेटिंग एंड द रजिस्टर. रोल्स ऑफ द स्पीकर, सेटिंग एंड रजिस्टर. सेटिंग और रजिस्टर जो है वो आप कह सकते हो कि जो टॉपिक लिया जा रहा है वो सेटिंग उस सिचुएशन को. ये तीनों चीजें, स्पीकर, उसकी सेटिंग और उसका रजिस्टर, रजिस्टर इन द सेंसेस द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये तीनों चीजें एक दूसरे से मैच करती होनी चाहिए, यानी कि दे शुड नॉट बी डिफरेंट. द लर्नर नीड्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल स्टाइल. तो बेसिकली जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो लर्नर है उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल में बोलना आना चाहिए. सपोज यदि आप किसी से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो यू विल बी स्पीकिंग इन एन इनफॉर्मल स्टाइल, जहां पर आप, आपकी लैंग्वेज बहुत ही जनरल लैंग्वेज होगी, आप उसमें स्लैंग्स भी यूज कर सकते हो, तो उसे हम इनफॉर्मल स्टाइल कहेंगे. बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर टीचर और एनी सीनियर, तब आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होती है, जहां पर आप
अलग तरह की लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, यानी कि वर्ड्स और वोकैब या जो भी स्लैंग आप यूज कर रहे हो वो बहुत समझ के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल और फॉर्मल का डिफरेंस पता होना चाहिए। देन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज आर एसेंशियल, एक्टिविटीज शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट एंड हैव अ कम्युनिकेटिव पर्पस। सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट द सेम विच वी हैव सीन हियर ऑल्सो, द स्पीकर सेटिंग एंड रजिस्टर। सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट इन द सेंसेस कि आपको उनको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करनी होती है बीइंग अ टीचर कि स्टूडेंट उस बात उस चीज पर डिस्कस कर सके ना। आपको रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड करनी होती है, सपोज स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट सम डिबेट और समथिंग, या वो आपस में किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग डिस्कशन उनका जो मेन फोकस है वो उस डिस्कशन पे उस टॉपिक पे है जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, बट वो टारगेट लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उन्हें इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के थ्रू वो लैंग्वेज उनकी परफेक्ट हो रही है। तो ये भी इसका एक प्रिंसिपल है कि सिचुएशंस प्रोवाइड करना होगा, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही वो उस लैंग्वेज को यूज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट टिपिकल एक्टिविटीज ओके ऑफ दिस अप्रोच आर गेम्स। तो इसके अंदर क्या क्या करवाया जा सकता है एक्टिविटीज में? गेम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एंड रोल प्ले। सो दीज ऑल आर बेसिकली द टिपिकल एक्टिविटीज। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज करवाई जा सकती है, बट इन एक्टिविटीज के थ्रू भी ये यूज किया जाता है, इस को यूज करते हैं। ओके, देन देयर शुड बी इंफॉर्मेशन गैप, चॉइस एंड फीडबैक। इंफॉर्मेशन गैप इन द सेंसेस लाइक जब किसी नए टॉपिक पे आप बात करने को दोगे या नया टॉपिक दोगे कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें बात करना और डिस्कशन करना इजी रहता है क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन का गैप है। एक स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे वाले को देगा, तो दिस इज लाइक समथिंग विच इज इंफॉर्मेशन गैप। चॉइस एंड फीडबैक, चॉइस जो भी टॉपिक दिया जा रहा है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द चॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ताकि वो उस पर ज्यादा लंबे टाइम तक डिस्कस कर सके। सपोज यदि एक साइंस वाला स्टूडेंट और उसको हिस्ट्री वाले टॉपिक पे डिस्कस करने को कहोगे तो वो बहुत शॉर्ट डिस्कशन में अपनी पूरा कम्युनिकेशन ओवर कर देगा, ठीक है। एंड फीडबैक, फीडबैक कौन देगा? द एडुकेटर और द मेंटर, टीचर जिसे आप कहोगे, एक हेल्पर की तरह काम करता है वो फीडबैक देगा, ठीक है। इन एक्टिविटीज से रिलेटेड लर्नर्स मस्ट हैव कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद एन एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, है ना। लगातार वो बात करते रहे, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक शुरू किया फिर चुप बैठे। द इंटरेक्शन शुड बी कंटिन्यू ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही होना चाहिए, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसके थ्रू चारों जो मैक्रो स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों का इंटीग्रेटेड यूज किया जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग। सिंस कम्युनिकेशन इंटीग्रेट्स द डिफरेंट स्किल्स, ऑल द फोर स्किल्स आर यूज्ड हियर। चारों स्किल्स का कम्युनिकेशन मेथड के अंदर यूज किया जाता है, इस वजह से इन चारों स्किल्स का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो जिस किसी भी मेथड में यदि चारों स्किल्स यूज की जा रही है तो डेफिनेटली वो एक परफेक्ट मेथड है, और इसको हम मॉडर्न मेथड्स में काउंट करते हैं, रिसेंटली डेवलप हुआ है। द टॉपिक्स आर सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड, है ना, सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड। जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ओके, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है उनको। ग्रेडेड, ग्रेडेड इन द सेंसेस अकॉर्डिंग टू द लेवल, द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट ओके, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू द एज, नीड्स, लेवल एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो इस इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक दिया जाता है ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ हो पाए, बच्चे आगे कम्युनिकेट कर पाए। ओके, देन मोटिवेशन। तो मोटिवेट करने का काम किसका होता है? टीचर का। ऑल दो टीचर शुड रेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, उनके अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो कम्युनिकेशन को फॉर अ लॉन्गर पीरियड कॉन्स्टेंट फॉर्म में उसको कंटिन्यू करें और टारगेट लैंग्वेज को यूज करें। द रोल ऑफ द टीचर इज दैट ऑफ अ गाइड, अ फैसिलिटेटर और एन इंस्ट्रक्टर। इस कम्युनिकेटिव सीएलटी से ये क्वेश्चन जरूर आता है कि गाइड का या टीचर का रोल क्या होता है। एक गाइड का, एक फैसिलिटेटर का, एक इंस्ट्रक्टर का, एक फ्रेंड का, एक मेंटर, कुछ भी इनके सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हो। फिर
एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रायल और एरर जो पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस माना जाता है, यानी स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यदि कोई गलती करते हैं, ओके, तो करना और गलती करके सीखना, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। यानी स्टूडेंट कोई गलती करता है तो उसके लिए उसको डांटा नहीं जाता है, उस पर उस बात को इग्नोर कर दिया जाता है, सोचते कि हाँ नेक्स्ट टाइम ये उसी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो टीचर है वो ट्रायल एंड एरर के मेथड पर या फिर उसको ध्यान में रखा जाता है कि मिस्टेक्स आर अवॉइडेड। इवैल्यूएशन कंसर्न्स नॉट ओनली द लर्नर सिक्योरिटी बट आल्सो देयर फ्लुएंसी। और जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें स्टूडेंट की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ दी स्पीकिंग लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ऑल, और साथ ही साथ फ्लुएंसी, कितनी स्पीड से, किस फ्लुएंसी से वो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इवैल्यूएशन के प्रोसेस में ध्यान में रखी जाती है। ओके, देन नाउ विल सी द फीचर्स ऑफ दिस मेथड। लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सर्व। तो यहाँ पर इसका मेन फीचर ये है कि लैंग्वेज लर्निंग, यानी लैंग्वेज सीखने का मतलब ये है कि बोलना आना चाहिए, ठीक है। व्हेन लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन रियल कम्युनिकेशन देयर नेचुरल स्ट्रेटेजीज फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन विल बी यूज्ड। द नेचुरल स्ट्रेटेजी, ऐसा लगना चाहिए कि वो एक नेचुरल वे में लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, जैसे हम अपनी मदर टंग को, मदर टंग अक्यूज की जाती है, तो यहाँ पर भी इस मेथड के थ्रू टारगेट लैंग्वेज का अक्यूशन करवाया जाता है, एंड दिस विल अलाउ देम टू लर्न टू यूज द लैंग्वेज। ओके, सो फर्स्ट फीचर इज दिस। ड्रिलिंग में अकर, ड्रिलिंग इन द सेंसेस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, बट पेरिफेरल, पेरिफेरल इन द सेंसेस नॉट इन अ फॉर्म ऑफ लाइक कंप्लीट फॉर्म में नहीं, ओवरऑल फॉर्म में आप कह सकते हो कि ऊपर ऊपरी तरीके से ड्रिलिंग यानी कि प्रैक्टिस यहाँ पर हो सकती है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनंसिएशन, यानी कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टूड हो, सामने वाला अपने उस बात को समझ सके, प्रोनंसिएशन क्लियर होना चाहिए। ट्रांसलेशन में भी यूज वेयर स्टूडेंट्स नीड और बेनिफिट फ्रॉम इट। तो एक चीज बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन वैसे नहीं करना है, यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज ही यूज करनी है, बट इन केस यदि स्टूडेंट को लगता है कि उसको इस चीज से बेनिफिट है, कई बार हम किसी चीज को अपनी लैंग्वेज में ही समझ सकते हैं, इफ देयर इज अ न्यू वर्ड इन फ्रंट ऑफ मी और उसका मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगी तो हम उसको जल्दी से समझ सकते हैं। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और डे वन से ही रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट कर दी जाती है जब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड के थ्रू टीचिंग करवाई जाए। ओके, तो ये भी इसका एक फीचर है। देन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। इसका जो डिजायर्ड गोल है यानी मेन उद्देश्य इस लैंग्वेज को, इस मेथड को यूज करने का है कि स्टूडेंट के अंदर कम्युनिकेशन की यानी कि बात करने की, वार्तालाप जो है उसकी कॉम्पिटेंस हो, यानी कि वो उसमें सक्षम हो। दैट इज दी एबिलिटी टू यूज द लिंग्विस्टिक सिस्टम इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएट। ओके, देन टीचर्स हेल्प लर्नर्स इन एनी वे दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क विद द लैंग्वेज। तो टीचर का काम क्या होता है, स्टूडेंट को, लर्नर को मोटिवेट करना, हेल्प करना उसकी कि वो लैंग्वेज को सीखे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल। स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो दूसरे बच्चों से, दूसरे स्टूडेंट्स के इंटरैक्ट करें, इधर इन द फ्लैश थ्रू पेयर एंड ग्रुप वर्क और इन देयर राइटिंग, किसी भी फॉर्म में, बट उनको इंटरेक्शन करना है एंड दैट शुड ऑलवेज बी इन टू द टारगेट लैंग्वेज, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज हियर। ओके, सो दिस वॉज ऑल्सो अबाउट द फीचर। नाउ विल सी द प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि क्या इसके मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। तो इस मेथड्स के यदि मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, मतलब जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो डेली लाइफ में उस लैंग्वेज की वैल्यू, उसका यूज यहाँ पर होना चाहिए, उस पर दबाव दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि लैंग्वेज हम सीखते ही इसीलिए कि हम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। दूसरा, एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के यूज पर दबाव दिया जाता है। ओके, इट इज रिपीटेड हियर, आई एम सॉरी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी, द सेम थिंग लाइक फंक्शनल वैल्यू, प्रायोगिक रूप में डेली
जनरल लाइफ में उस लैंग्वेज को यूज करना, स्पीच एबिलिटी डेवलप करते हैं, क्योंकि यदि बच्चा रोज कम्युनिकेशन करेगा तो डेफिनेटली उसका जो स्पीच एबिलिटी है वो बेटर होगा। इट टेक्स डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चर्स। जब आप स्पीकिंग करते हो तो धीरे 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 आप एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन सीखते हो, तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो परफेक्ट बनता है। पर बात करें इसके डीमेरिट्स की, तो पहली बात, अभी क्लासरूम में अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ है कि हमारे टीचर्स जो हैं क्या इस वे से पढ़ा सकते हैं। देन एज वी से कि डे वन से ही रीडिंग राइटिंग कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, तो ग्रामर और स्ट्रक्चर कब पढ़ेगा, तो उसके बारे में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनको लगता है कि ग्रामर स्ट्रक्चर गलती कर भी रहा है तो इट्स ओके, कहना बोल बोल के, सॉरी, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो ये इसका एक मेन, यू कैन से लाइक पॉइंट हो सकता है कि जिसके थ्रू उसको ध्यान में रखकर ये मेथड यूज किया जाता है। तो ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। देन इस मेथड से पढ़ाने के लिए जो ट्रेन टीचर्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, ओके, क्योंकि बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए छोड़ना, तो जरूरी नहीं कि वो उसी डायरेक्शन में जाए जिस जिस डायरेक्शन में टीचर लाना चाहता है। तो ऐसा ट्रेन टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, और ना ही ये जो मेथड है ये अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। सो दिस दीज वर दी डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। बट या डेफिनेटली इसके मेरिट्स भी बहुत सारे हैं जो कि दिखने में काफी अच्छे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट, यू कैन टेक्स्ट मी जस्ट ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।